आईएमए ने कैंसर के बचाव के लिए जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आईएमए के चिकित्सकों में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। देश में पिछले कई वर्षों से कैंसर के मामले में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 7 नवंबर एक विश्व कैंसर अवेयरनेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नहीं, भारत में बेसिकली 2014 से डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने शुरुआत करी। बेसिकली इसके पीछे हमारा एक मेन मोटिव है कि हम लोगों को जागरूक करें। आज जो कैंसर अवेयरनेस जो एक डे था, उसमें हमने एक जागरूकता जो कार्यक्रम किया, काफ़ी अच्छा रहा। पहले हम लोगों ने रैली निकाली थी और करीब ये 500 मीटर रैली जो आसपास लोग रहते हैं, दुकानदार थे, सबको कैंसर को लेकर अवेयर किया। चिकित्सकों का कहना है कि पहले कैंसर के मामले एक उम्र के बाद देखने को मिलते थे, पर आज कम उम्र के लोगों में यह मामले बड़े तेजी के साथ देखने को मिल रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने एक रैली निकाली, जिसमें आज जैसे कैंसर अवेयरनेस डे है और इस पे पर्पस है लोगों को ये बताना, कैंसर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन। आपको अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस अगर कभी आप नोटिस करते हैं तो उनको हल्के में मत लें। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, जो कि इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है और जिसमें कैंसर के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की जीवन शैली, खान पान में हुआ बदलाव और एक्सरसाइज न करना सबसे बड़ा कारण। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस दिन है, तो इसीलिए आज शांति वेद के द्वारा एक रैली कराई गई है और यहाँ पर एक छोटी सी टॉक रखी गई है कि लोगों को जागरूक हों कि कैंसर क्या है और इसका इलाज और इसकी डायग्नोसिस कैसे और कब होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, और इसके तहत ही हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एक सवेरे रैली निकाली गई। थोड़ी दूर चलकर हम लोग एक कॉलोनी का चक्कर काट कर आए और फिर यहाँ पर आकर उसको जो है एक सभा में परिणित किया और लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चिकित्सकों का कहना है कि वर्ष 2022 के अनुमान की तुलना में 250 तक वैश्विक स्तर पर पुरुषों में कैंसर के मामलों में 84% की वृद्धि होगी तथा कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या में 93% की वृद्धि होगी। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।